बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम बनाएंगे होममेड सेवइयां और कुल्फ़ा, जिसे हम फलूदा भी कहते हैं। बनाने में आसान और खाने में मज़ेदार। ये इतनी आसान रेसिपी है कि अगर आप मुझे ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आप घर पर इसे इजीली बना लेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलें इस आसान और टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक पैन, इसमें हम डालेंगे 1 लीटर दूध। दूध शामिल करने के बाद साथ ही हम इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। इन सबको कर लेंगे मिक्स ताकि चीनी मिक्स होकर मेल्ट हो जाए। 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे फलूदा मिक्स का 1/2 पैकेट। इसे मैंने कप में डाला था और इसमें शामिल कर दिया है। 2 मिनट और पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से कटे हुए पिस्ते। फिर इसमें डाल देंगे कटे हुए थोड़े से बादाम, 1 टीस्पून इलायची पाउडर। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। साथ साथ हम इसमें चम्मच को हिलाते जाएंगे। इसको हमने इतना पकाना है कि दूध पककर हाफ रह जाए। इसके बाद इसमें जाएगी हाथ से क्रश की हुई ब्रेड, ये मैंने इसमें 2 डाली हैं। ये कुल्फ़ा इतना मज़ेदार तैयार होगा कि बाज़ार में जो कुल्फ़ा मिलता है इससे कई ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये देखें, ये पककर हाफ हो चुका है। इसे जब हम ठंडा करेंगे तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। इसे हम ठंडा करने के लिए किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। जब तक ये ठंडा होता है हम एक बाउल में डालेंगे 1.5 कप व्हिप्ड क्रीम। इसमें हम घर की क्रीम यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए बीटर से बीट लेंगे। ये देखें, ये इतना बीट है कि नीचे नहीं गिर रहा। अब हम इसमें डालेंगे कुल्फे का टेक्सचर जो हमने अभी तैयार किया था। 2 से 3 मिनट के लिए इसको और मिक्स कर लेंगे। टेस्ट में बाज़ार वाले कुल्फे से बिल्कुल डिफरेंट तैयार होगा और आप जब भी इसे बनाएंगे आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अब हम कुल्फे को किसी भी बर्तन में निकाल कर 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आइए अब हम कुल्फे के साथ सेवइयां तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एक पैन में डालेंगे 1/2 लीटर पानी, 1 कप माया, आप माए की बजाय कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। इन सबको मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून चीनी। इसको फिर से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको रखेंगे चूल्हे के ऊपर। इससे पहले हमने चूल्हा नहीं चलाया था। हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे और चम्मच को मुसलसल हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बन जाएं। जब ये गाढ़ा होना शुरू होगा तो फ्लेम बिल्कुल मीडियम लो कर देंगे और चम्मच को मुसलसल हिलाते जाएंगे। ये देखें, बिल्कुल गाढ़ा सा हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट में तैयार हो गया है और फौरन से ही इसमें डालेंगे आइस क्यूब और ठंडा पानी। अब इसके ऊपर रख देंगे सेवइयां बनाने का सांचा। इसमें बिल्कुल गरम गरम ही माया जो तैयार किया है वो डाल देंगे और एकदम से ही सारे को प्रेस कर लेंगे। गरम गरम डालने से ही सेवइयां परफेक्ट तैयार होंगी। सेवइयों को 8-10 मिनट के लिए ठंडे पानी में पड़ा रहने देंगे ताकि ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएं। कुल्फे को रखे हुए 4 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। आइए हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। एकदम ज़बरदस्त तैयार हुआ है। फाइनली हम कुल्फे की प्लेट को तैयार कर लेते हैं। पहले हम प्लेट में डालेंगे सेवइयां और इसके ऊपर रख देंगे कुल्फा। फिर इसके ऊपर जाएंगे कटे हुए पिस्ते। 1 चम्मच डाल देंगे तुख मलंगा, मैंने इसको पहले ही भिगोकर रख लिया था। एंड में जामी शीरी डाल देंगे। बहुत ही मज़े का सेवइयों वाला कुल्फा तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, लाइक और कमेंट्स कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।